हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है। आइए देखते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में नया क्या है। सबसे पहले पाइथन की आईडीई ओपन कर लेते हैं। तो यहां से पाइथन की जो ट्रेडिशनल आईडीई है उसे मैं ओपन कर लेता हूं। ये हमारी पाइथन की ट्रेडिशनल आईडीई है, इसी पर हम कोडिंग करेंगे। ठीक है, नया पेज ले लेते हैं कंट्रोल एंड प्रेस करके। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि यहाँ एक काउंट नाम से दिया गया है, इसमें जीरो स्टोर कराया गया है। ठीक है, ये जीरो है, वो नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और यहां पे लगा दिया गया है वाइल लूप, ये वाइल लूप लगा दिया गया। ठीक है, और कहा गया कि काउंट, काउंट क्या है, लेस देन के बल दिया गया, लेस देन 10 कर दिया गया, काउंट इज लेस देन 10। ठीक है, तो यहां पर लेस देन 10 कर दिया गया। और यहां पर क्या प्रिंट करवाता हूं, मैं अपना नाम प्रिंट करवाता हूं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं अपना नाम प्रिंट करवा रहा हूं, एस यू आर ए जे, और इसे डबल इंटेड कॉमा के अंदर मैं लिख रहा हूं। आप चाहे तो सिंगल इंटेड कॉमा के अंदर भी इसे प्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहां पर लिखता हूं count काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, काउंट प्लस इज इक्वल टू 1 कर दिया। अब इसको F5 दबा के और इसको सेव करना होगा, तो यहां पर मैं इसे लूप loop.py के नाम से सेव करता हूं, loop.py। ये सेव हो गया, तो आप देखेंगे कि ये कितने टाइम प्रिंट हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर दिया गया है लेस देन 10, तो काउंट करते हैं क्या लेस देन 10 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये तो 10 टाइम प्रिंट हुआ है। लेकिन यहां पर देखिएगा, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, अगर ये 1 से स्टार्ट होता है तो ये तो 9 टाइम ही प्रिंट होगा। अब देखिए, ये 9 टाइम ही प्रिंट करेगा, तो देखिए सेकेंड टाइम वाला देखिएगा, इस बार जो है 9 टाइम ही ये प्रिंट करेगा। तो जरा देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, आई बात समझ में? ठीक है,